मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, कैमरा ऑन ही नहीं, कान में टॉप से, कान में टॉप से नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा पस जैसा पड़ा। क्यों फिर हम तो बहुत गर्म इलाके में, अब जा रहे हैं हम ठंडे ठंडे इलाके में। पत्थर ने कर दिया काम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जैसे कि हम इससे पहले गए थे वृंदावन अयोध्या के टूर पे, और अब प्रॉपर तरीके से ट्रैवलिंग हो रही है हमारी, मेरी और दीदी की। तो अभी हमारा फिर से बन गया ट्रिप कहीं जाने का। तो कहाँ जाने का वो तो आपको आगे पता चलेगा, फिलहाल तो अभी हम यहाँ चंडीगढ़ से निकलते हैं। माफ़ करना पीछे ये बुलेट का शोर। तो अभी तो हम फिलहाल यहाँ चंडीगढ़ से निकल रहे हैं सोलन, सोलन से जाएंगे भैया भाभी के साथ। कहाँ जाएंगे वो आपको आगे पता चलेगा क्या हो रहा है इसके चैनल में कुछ और, मेरे चैनल में कुछ और, इसीलिए कि तब सेम नहीं हो जाएगा। तो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जा रहे हैं हम, तो आपको मज़ा आएगा देखने का हमारे व्लॉग्स को। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं और मज़े मारते हैं घूमने फिरने में, मेरे को तो बहुत ही मज़े आ रही है। थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है अगर कंटिन्यू ट्रैवल करो ना, लेकिन बट ऐसा है कि रुक रुक के जा रहे हैं तो हर जगह को घूम के एक्सप्लोर करके। तो फिलहाल निकलते हैं हम, और इस बार हमारा लंबा ट्रिप है। अभी तो हम 3-4 दिन के लिए गए थे, इस बार हम एक हफ्ते के अराउंड तो लग ही जाएगा हमारे को। तो बने रहो आगे तक। मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, कैमरा ऑन ही नहीं गया था। तो गाइस हमारे को रूम से मिल गया था ऑटो यहाँ हाउसिंग बोर्ड तक, और तुरंत ही हमारे को बस मिल गया, हमारे को कहीं पे भी वेट नहीं करना पड़ा। पहले हमारा होता था कि हम 43 जाते थे, बट इस बार ही नहीं गए हम लोग, क्योंकि इस बार हमें लॉन्ग रूट पड़ता है। हमने दिमाग चलाया कि फिर हमारे को एक घंटा तो हमारे को इसी में ही लग जाता है घूम, उससे अच्छा बाहर निकलो और वहाँ से बहुत टाइम बच जाता है। चलो बच जाता है, लग नहीं जाता है, ऐसा बोला, रुक जाओ अभी देखते हैं हम जरा कौन सही है कौन गलत है। ठीक है चलो अब मिलते हैं आपसे आगे भैया भाभी के पास। तो गाइस हम पहुंच गए थे काफी पहले भैया भाभी से पहले, और ये लोग पहुंच रहे हैं हमारे से लेट, हमारे को वेट करवाया, और हम फिर गाड़ी में खुल डिक्की तो फिर हम शॉप में बैठ गए थे। नहीं, नहीं। अरे चल नमस्ते, नमस्ते, ये सोया मिलना था, तो मम्मी से मिल के आते हैं, 2 मिनट जा 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 पूरा मेल मिलाप। फिर हमारे पेशेंट जी नमस्ते, ठीक है एक है, एक कान में टॉप से, एक कान में टॉप से नहीं है। तो आप इधर को किधर को आए, बस मिलने वाले, देखो इनके बाल भी आ गए। ये अब तो ठीक हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा पस जैसा पड़ा। क्यों पानी तो नहीं लगाया आपने? नहीं सारा बाल, कोई नहीं थोड़ा सा, हाँ ऐसे थोड़ा सा, नहीं ऊपर तो ठीक है, ऐसे थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं। बाल भी देखो बड़े जल्दी आने लग गए। तो बस मम्मा से भी मिलना हो गया, फिर अब हम निकले घूमी घूमी, पैसे मिल गए, पैसे मेरे को आने का फायदा हो गया मेरा। ले जी अथर्व हमारे उठ गया, ये सोया था जब हम बैठे थे गाड़ी में। तो गाइज हम जाते जाते कहीं और पहुंच गए, तो अभी हम कहाँ आए हैं? भूतेश्वर है ना? नहीं है, बुरशिंग, ढंग से बोलो, भुरेश्वर, भुरेश्वर महादेव टेम्पल। और ये है कहाँ अंकुशिया? सराहन के पास, नंदिकर साम के बीच। और बहुत अच्छा है, बाकी हम नीचे उतर के दिखाएंगे आपको। वीडियोस वगैरह तो हमने काफी देखी थी यहाँ की, बट हमारे को ये नहीं पता था कि हाँ हम यहाँ जाने वाले, मेरे बाल देखने कितने खराब हुए। ये कौन काय की मूर्ति होने की? ओ वाओ कितना मस्त लग रहा है यहाँ से, भुरेश्वर मंदिर। चलो जी हाय चंडीगढ़ और उधर के, अभी हम इतनी गरम गरम यहाँ से आया, अभी आ गई ठंडी हवा, और अब हम ठंडी ठंडी जगह पे पहुंच गए। ठंडी जगह पे पहुंचेंगे, हाँ वो तो आपको बना रहना पड़ेगा आगे तक, तब पता चल जाएगा है ना भाई। अभी गए थे हम तो बहुत गर्म इलाके में, अब जा रहे हैं हम ठंडी ठंडी इलाके में, तो बने रहो। गर्म का मेरे दिमाग में चला भी है ये चीज, मजा आएगा आपको, सर्द गर्म हुआ ना। हाँ ये चीज बीमार होने की चांसेस होते हैं ऐसे, अभी बहुत गर्मी में फिर अब ठंड में। देखो हमारी ट्रिप्स बनते रह रहे अब। चलो यहाँ से आने के बाद ही छोटा सा जूता घर,
हर मंदिर में खुलने पड़ता है। तो गाइस हम कुछ कॉइन डाल रहे, देखते जरा टिकता है यहाँ पे, कुछ मन्नत है इसकी सबके ऊपर, फिर पता नहीं क्या सीन है। ओए ओ टिक गया, देखो कहाँ जाके ये सबसे आगे भैया का कॉइन टिका, मतलब हमारे सबका। चलो आ चुके हैं हम ऊपर से वापस, ऊपर फोटोज वीडियोज अलाउड नहीं थी, थोड़ी सी वो पत्थर वाली बनाई वो क्योंकि बाहर को था। तो अब हमने करना है, क्या हो गया टाइम, लंच हो गया का टाइम हो गया, तो अब हम लंच करेंगे वहाँ पर। अच्छी सी लोकेशन दिखी है हमारे को, भाभी घर से खाना लेके आए, चलो मतलब ट्रैकिंग ऐसे सब कुछ सामान साथ रखा हुआ है खाने बनाने का और टेंट वगैरह, तो मस्त ट्रिप होने वाला ये हमारा। देखो तो इसने चलना नहीं है और टांगे फोल्ड करके चला हुआ है, क्यों उड़ा के ले जाओ इसको, बच्चों का भी अपना ही होता है मजे। तो जी आगे भाभी खाना लेके और ये बुआ भतीजा, यहाँ पे ही सर मिले इनको तो ये खाने लगे हुए। लो जी तो हमारा लंच टाइम हो गया। चलो है हमारे पास दही और भी, कोई टेंशन नहीं। आ चुके हैं हम पेट पूजा करके और अच्छा अब छोड़ दिया इसने, बोल रही थी वो खा रहा है प्रसाद। अच्छा तो टायर चेक करता है ये कि टायर में हवा कितनी है। देखो खोल दी पापा ने, अब हम निकले। नहीं खोली, खोलो बोलो पापा को, बोलो खोलो। ये अंकुशा को इतनी गंदी आदत है, जब तक खुद नहीं बैठेगी ना तब तक खोलेगे नहीं। खोलो खोलो पकड़, खोलो चलो। हाँ वही ना, बाहर पता नहीं क्यों खड़ा रखते हैं। चलो तो गाइस देखो बारिश हो रही है रास्ते में, भाई वो हाफ स्लीव में चला। निकल चुके हैं पौंटा साहिब से और देखो गुरुद्वारा पौंटा साहिब का। बस हमने फ्रूट्स लिए थे अभी, तो आम खाने का मेरा बहुत मन कर रहा था तो मैंने आम लिया, तो दीदी को भी टेस्ट करने को दे दिया अभी क्या। और मैंने अंकुशा बोला बहुत टेस्टी आ गया, अंकुशा ने गाड़ी रोकी और कि अब हम भी खाते हैं, फिर रोक के फिर छुरी कटने गएगे पीछे की, अच्छा हम क्यों नहीं खाएंगे। तो लगे है ये आम खाने सब और मैं भी खा रही हूँ। पहुंच चुके हैं देहरादून बुआ के पास और हमारे पास नहीं जाएगी ये, पूरी पूरी जा रही है ना, हमारी गाड़ी अंदर ही नहीं गई, अब हमारे को बैक साइड से ले जानी पड़ेगी। भाई कुत्तों ने भोंकड़े में गिरा दे रखा है, तो हम अब बैक साइड लगा रहे हैं। बुआ इधर को आ गए, उफ कुत्ते कुत्ते और कुत्तों से ऐसा डर लगता है हमें। अच्छा दीदी तो वहां से बाहर ही नहीं आ रही, आ जा आ जा बात ना भाई। आंचल दीदी पहुंच चुके हैं हम अंदर, गाड़ी गुड़ी लगा दी है, फाइनली लग गई है हमारी गाड़ी। हमारा डिनर आ चुका है, सुनीशा भाभी गायब है, ये देखो बेचारा कैसा बैठा है, अपनी मम्मी का इंतजार कर रहा है। आपको भी मत, और खाओ और खाओ, कम मिर्च है, घर से बाहर निकलना टफ हो जाएगा आप लोगों का, इसलिए थोड़ी बहुत खाया करो। दही जैसे जैसे मिर्च कम, भैया कहा भैया, ये हमारा ठीठ पहाड़ी। चलो अब हम करते हैं डिनर, गाइस डिनर करके हम फारिग है और बुई ने देखो यहाँ पे एल्बम्स निकाल दी अपने बेटी की शादियों की और पुरानी एल्बम्स भी है, सारी शादी वगैरह इनकी ही है, एंगेजमेंट वगैरह इनकी। चलो मम्मी की कॉल भी आ रही है, आ चुके हम सोने, तो बस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कहाँ जा रहे हैं
अभी आज तो हम सिर्फ देहरादून ही आए थे बुआ के पास, अब यहाँ से हमारा आगे के प्लान्स बन रहे काफी सारे, तो बने रहो, मजा आएगा आप लोगों को। बाय बाय। नहीं, ये बस काफी है। बाय बाय।